आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, आवर दिस क्वेश्चन सेज द फॉर्मेशन ऑफ O3 इन द अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज कैटलाइज्ड बाय N2, NOCO या CO2। तो इस क्वेश्चन में पूछे कि O3 का जो फॉर्मेशन होता है अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में, वो किससे कैटलाइज करवाया जाता है। O3 क्या होता है हमारा? ओजोन। और ओजोन लेयर हमारा क्या करता है? ओजोन लेयर हमको जो यूवी रेडिएशन होती है सन की, उनसे प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेडिएशन ऑफ सन लाइट। ठीक है, तो ओजोन का फॉर्मेशन कैसे टेक प्लेस करता है इन द अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर? ओजोन कैन बी फॉर्म्ड बाय द मिक्सचर ऑफ O2 एंड NO2 के मिक्सचर को जब हम ब्राइट लाइट में एक्सपोज कर देते हैं ब्राइट लाइट। ठीक है, तब हमारा ओजोन O3 गैस का फॉर्मेशन टेक प्लेस करता है। एंड इस रिएक्शन में NO जो होता है हमारा एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। सो द फॉर्मेशन ऑफ O3 इन अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज कैटलाइज्ड बाय NO। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।